ये लड़ाई अभी जारी है। मुझको मोहब्बत का सिला बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। 8 जनवरी को मेरा जन्मदिन था, 1.5 लाख लोग आए थे। हमारा हर कार्यक्रम ऐसे ही होता है, आगे भी हमेशा ऐसे होता है। कुश्ती संघ के बॉस रहे और सांसद ब्रजभूषण के साथ पहलवानों का दंगल अभी जारी है। खिलाड़ियों ने एक्शन के लिए 15 जून तक का वक्त दिया है, लेकिन ब्रजभूषण गाहे बगाहे अपनी ताकत जरूर दिखा रहे हैं। अब मौका था सरकार के कामकाज के हिसाब किताब गिनाने का, लेकिन ब्रजभूषण शक्ति प्रदर्शन से बाज नहीं आए, शेर पढ़े और खुद को बेगुनाह बेकसूर बता दिया। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको रुसवाई कहें के शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। चेहरे पर मुस्कान और जुबान पर शेरो शायरी, यौन उत्पीड़न के आरोपों को झेल रहे बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनका रुआब पहले की तरह अपने चरम पर है। वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी शक्ति का पैमाना क्या है। वो जताने की कोशिश कर रहे थे कि वो पाक साफ है। सामने हजारों की भीड़ थी। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए गोंडा में मजमा लगा था। ब्रजभूषण सिंह ने मंच संभाला और मंच संभालते ही शेर व शायरी से शुरुआत की। कभी अस्क कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। दरअसल ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के गंभीर आरोप हैं और ब्रजभूषण सिंह लगातार कहते रहे हैं कि वो बेगुनाह हैं और उन पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। इसी बात को इस बार उन्होंने शायरी के जरिए कही। इतना ही नहीं, वो शायरी के जरिए ही ये भी कहते हैं कि दबी जुबान से उनका नाम लिया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें के शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। ब्रजभूषण सिंह की मुस्कान और उनका अंदाज बताता है कि वो किस कदर बेफिक्र हैं। वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि पहलवानों के आरोपों को वो सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन साथ ही ब्रजभूषण सिंह अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। 42 डिग्री तापमान में ब्रजभूषण सिंह की रैली में हजारों का मजमा लगा था और इसी भीड़ को वो अपनी ताकत बताते हुए नहीं थकते। मेरा हर कार्यक्रम ऐसे ही होता है। 8 जनवरी को मेरा जन्मदिन था, 1.5 लाख लोग आए थे। मेरा हर कार्यक्रम ऐसे होता है, आप लोगों से पूछ लो। इसके लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं किया गया था। हमारा हर कार्यक्रम ऐसे ही होता है। ब्रजभूषण सिंह पहलवानों का नाम नहीं ले रहे थे, बस शायरी के जरिए बता रहे थे कि उनके खिलाफ क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं। मगर इन्हीं से जब सीधा सा सवाल किया गया कि पहलवानों के बारे में क्या कहते हैं, तो सवाल से कन्नी काट गए। पहलवानों पर सवाल है कि वो लोग 15 तारीख तक उन लोगों ने अल्टीमेटम, ये कोर्ट का निर्णय, कोर्ट के निर्णय का प्रतिशत, ये इस पर नहीं। कोर्ट क्या निर्णय करेगा वो तो बाद में पता चलेगा, मगर ब्रजभूषण सिंह ने तो बता दिया कि वो आश्वस्त हैं कि उनकी बेगुनाही हर हाल में साबित होगी। फिर भी कह रहे हैं कि होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। वही है वही जो राम रचि राखा, वही है वही जो राम रचि राखा, और को कर तरक बढ़ाओ साखा, बोलो भारत माता की। ब्रजभूषण शरण सिंह भले ही केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए इस कार्यक्रम में आए थे, मगर सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही वो ये भी बताते रहे कि उनके रसूख में कोई कमी नहीं आई है। वो तो तंज कसने से भी बाज नहीं आते। मीडिया वाले बड़ी तिरछी नजर से देख रहे हैं मुझे। जय जय
सीताराम। ब्रजभूषण सिंह का अवध पट्टी में खासा प्रभाव है, इसीलिए वो धर्म वाला कार्ड भी चलते हैं और अपनी धमक वाला अंदाज भी दिखाते हैं। कभी यश कभी गम, कभी जहर पिया जाता है तभी जमाने में जिया जाता है, ये शेर आज ब्रजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी की इस कैसरगंज की रैली में कही। उन्होंने अपने होठ सिल रखे हैं। पहलवानों के मुद्दे पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कोई बात नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अदालत के फैसले का इंतजार है और वो पहलवानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे। होई है उहे जे राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ा वही साखा। रामचरितमानस की इन चौपाइयों के साथ आज का कार्यक्रम खत्म हुआ, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ताकत का एहसास, अपना शक्ति प्रदर्शन बीजेपी को करके दिखा दिया है और यह भी कह दिया कि कैसरगंज से ही वो अगला चुनाव भी लड़ेंगे। अंचल श्रीवास्तव और संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, गोंडा आज तक।